ओलिया पत्म हरे मारे गल सुन सुनती है सरकार ओलिया पत्म हरे मारे for refreshing our mood. अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद क्योंकि जीतता कोई एक ही है तो ये हमारी इस साल की जो हमारा स्पोर्ट्स फर्स्ट रहा उसकी रनर अप टीम उसमें इसके बाद जो विनर टीम है उनके कैप्टन और प्लेयर से भी मैं कहूंगा कि वो रनर अप टीम के कैप्टन जो है बाली है
में जितने भी हमारे यहाँ पेरेंट्स आएंगे वो तालियों के साथ जो है वो इनका मनोबल बढ़ाए जहाँ भी उन्हें एज स्पेशल गेस्ट के तौर पे यहाँ मधु किया गया था, उन्हें मोमेंटो पेश करेंगे आज के प्रोग्राम में। मोमेंटो पेश करें तो तशरीफ लाए, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है एक मेगा इवेंट जिसमें स्पोर्ट्स मीट जो है ये रखी गई। मुझे लगता है कि ये इस तरह का जो है पहला इवेंट पूंछ में हुआ है कि जो ओपन यहाँ जो कॉलेज ग्राउंड है उसमें करवाया गया, और पहली बार मुझे लगता है कि किसी प्राइवेट स्कूल ने की कोशिश की है कि इंडिया की जितनी भी गेम्स हैं, मुझे मैंने यहाँ पर देखा है जिसमें खो खो, कबड्डी, उसके बाद सैक रेस, रस्सा खिंचाई, और उसके अलावा छोटे बच्चों की जितनी भी गेम्स हैं उनके अलावा जितना भी हमारा जो कल्चर है उसको दर्शाते हुए यहाँ पर जो है डांसेस वगैरह और उसके बाद सॉन्ग्स वगैरह इसका कंपटीशन रखते हुए जो विनिंग टीम्स रही उन सभी लोगों को यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया। मुझे लगता है कि इस वक्त की ज़रूरत है कि जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो करोड़ों रुपया खर्च करके जो काम नहीं कर पा रही है, मुझे लगता है मॉडर्न जो हमारा हरी मॉडर्न पब्लिक स्कूल है ये नॉमिनल चार्जेस में जहाँ पे ये चैरिटी भी करते हैं, फ्री स्कूलिंग भी बच्चों को करवाते हैं, मुझे लगता है इस तरह का कल्चर देकर आज बहुत खुशी हुई है कि जो पिछले 15-20 सालों में खलासा पैदा हो गया था, एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था स्पोर्ट्स को लेकर, वो पुंछ में जो आहिस्ता आहिस्ता फिलअप हो रहा है। मैं इसके लिए हरी मेमोरियल पब्लिक स्कूल की जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी है उसको और उनके साथ साथ जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और जिन्होंने यहाँ इस पर पार्टिसिपेट किया है, मैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने अपने बच्चों को इन गेम्स में आगे लाया और अपने इंडियन सिविलाइजेशन के साथ साथ जो है बच्चों को उनका हेल्थ कॉन्शियस करवाया, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए और फिज़िकल हेल्थ के लिए इन सभी एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है।